आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। हमीरपुर के सुजानपुर में राजेंद्र राणा के इस्तीफे के बाद खाली हुई विधानसभा सीट पर उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही करवाए जाएंगे। नई दिल्ली में चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि 7 मई को ही सुजानपुर में विधानसभा सीट के लिए भी मतदान करवाया जाएगा। इस पर उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी, जबकि नामांकन भरने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। उम्मीदवार 23 अप्रैल तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। राजेंद्र राणा ने सुजानपुर सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था और अब वो कांग्रेस में शामिल होकर हमीरपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब जब सुजानपुर में विधानसभा के उपचुनाव का ऐलान हो गया है तो माना जा रहा है कि इस बार भाजपा की ओर से पूर्व विधायक उर्मिल ठाकुर को उम्मीदवार चुना जा सकता है। यहां से नरेंद्र ठाकुर, जो कि हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में लौटे हैं, उन्हें भी टिकट मिल सकता है। अरुण धूमल के नाम की भी चर्चा हो रही है। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस से पूर्व विधायक अनीता वर्मा, पूर्व मंत्री रंजीत वर्मा और कांग्रेस के राज्य महासचिव सुनील बिट्टू उम्मीदवार बन सकते हैं। सुजानपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद वहां पर सियासी हलचल और तेज हो गई है। भाजपा का गढ़ माने जाने वाले हमीरपुर जिले के सुजानपुर में होने वाले ये उपचुनाव अब लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा रोचक हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के साथ अब हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव भी 7 मई को होगा। इसके चलते हमीरपुर में राजनीतिक पारा भी चढ़ने लगा है। सुजानपुर से निर्दलीय विधायक राजेंद्र राणा के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव कराने का फैसला लिया है। सुजानपुर सीट पर दोनों दल कांग्रेस और भाजपा अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकते हैं। सुजानपुर सीट से कांग्रेस में इस समय प्रबल दावेदारों में पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अनीता वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। नरेंद्र ठाकुर के भाजपा में लौटने के बाद हमीरपुर और सुजानपुर में तेजी से राजनीतिक समीकरण बदले हैं। पहले ये माना जा रहा था कि नरेंद्र ठाकुर को कांग्रेस इस सीट से उतार सकती है, लेकिन उनके बीजेपी में जाने से अब अनीता वर्मा को टिकट के लिए कोई लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। बेशक उनके अलावा यहाँ कर्नल विधि चंद, पूर्व मंत्री रंजीत वर्मा का नाम हो या फिर वीरभद्र के खास माने जाने वाले पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया का नाम भी इस रेस में हो, लेकिन इन सब में अनीता वर्मा की दावेदारी सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। भाजपा उम्मीदवार की बात करें तो भाजपा फिलहाल स्वर्गीय जगदेव चंद के परिवार तक ही सीमित है। स्वर्गीय जगदेव चंद की बहू और पूर्व विधायक उर्मिल ठाकुर खुद को एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में देख रही हैं। कारण साफ है कि पहले सुजानपुर से अरुण धूमल को टिकट देने की बात कही जा रही थी, लेकिन हमीरपुर लोकसभा के चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में पूर्व विधायक प्रेम कुमार धूमल ऐसा कोई जोखिम नहीं लेना चाहते जिससे उन पर या उनकी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगे। यहाँ पर जीतने की मेन वजह तो यही है कि मैं तो हमीरपुर की ही विधायक थी, तो मैं तो हमीरपुर में ही काम करती रही और फिर लास्ट मोमेंट पर मुझे सुजानपुर भेजा गया, तो मैं तो सुजानपुर गई ही नहीं थी, इसलिए थोड़ा ये हुआ। लेकिन अभी लगातार मैं 1 साल से काम कर रही हूँ वहाँ पर और संगठन को ठीक कर लिया है, लोगों के बीच में मैं जा रही हूँ और बहुत अच्छा रुझान लोगों का है। अब मैं बीच में जाती तो लोग ये कहते थे कि मैडम हम तो आपको जानते नहीं थे, नए थे आप, तो अब आप हमारे बीच में आए हैं तो हम फिर से आपके साथ खड़े हैं। उर्मिल ठाकुर के टिकट के रास्ते में अगर कोई है तो वो है उनके देवर, और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नरेंद्र ठाकुर ने टिकट पर फैसला पार्टी के हाथ में छोड़ दिया है। भाजपा का गढ़ माने जाने वाले हमीरपुर जिले के सुजानपुर टिहरा विधानसभा हलके में होने वाला उपचुनाव लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा रोचक हो गया है। सुजानपुर उपचुनाव के लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए जाने के फैसले से यहां कांग्रेस के साथ साथ इस सीट को छोड़कर लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र राणा के लिए भी नई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। कम से कम कांग्रेस की उस योजना पर तो पानी फिर ही जाएगा जिसके तहत उसने लोकसभा चुनाव में विजय न मिलने पर राणा को कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर सुजानपुर सीट पर खड़ा करने का निर्णय ले रखा है। हमीरपुर से पुनीत बत्ता के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज।
और अब इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा। तो जी हाँ मोहित, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सुजानपुर में क्या स्थिति है, एक तरफ चुनाव एक तरफ उपचुनाव, तो पहले एक तरफ टिकटें बटी थी और अब फिर टिकटें किसे मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, किसकी झोली में टिकट जाएगी, कौन है जो रेस में पीछे रह जाएगा, तो क्या कयास फिलहाल लगाए जा रहे हैं सुजानपुर के उपचुनाव को लेकर? देखिए आरती, स्थिति जो है राजनीतिक स्थिति काफी रोचक है सुजानपुर उपचुनाव को लेकर के। दो दल जो है वो मुख्य तौर पर है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। अब देखना होगा कि कांग्रेस किस उम्मीदवार को वहां से इस उपचुनाव में खड़ा करता है और भारतीय जनता पार्टी किसे मौका देते हैं। हालांकि उर्मिल ठाकुर जो है उनका नाम सामने आ रहा है, साथ साथ जो नरेंद्र ठाकुर है उन्हीं के जो चिदार हैं, देवर लगते हैं उनके, उनका नाम भी सामने आ रहा है। कयास जो लगाए जा रहे हैं कि इनमें से किसी एक को जो है वो टिकट वहां से बीजेपी दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि काफी रोचक होगा आरती, क्योंकि अभी अभी खाली हुई है वो सीट और राजेंद्र राणा वहां से विधायक थे और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था कुछ दिन पहले इसी सीट से, और अब देखना होगा कि इन दोनों में से बीजेपी किसे मौका देती। हालांकि कांग्रेस का अभी तक कुछ जो है वो इस बाबत कोई बयान नहीं आया, या फिर जो कयास है वो फिलहाल कांग्रेस की तरफ से पूरन विराम जो है इस सीट को फिलहाल लेकर लगाया जा रहा है, अभी प्रत्याशी को लेकर खासतौर पर आरती। जी हाँ मोहित, जैसा कि आपने बताया कि फिलहाल तो स्थिति स्पष्ट नहीं है कि किसे टिकट मिल सकती है, हालांकि कई नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में एक चीज़ और है, पहले ये लग रहा था कि एक बार ये चुनाव हो जाएंगे उसके बाद थोड़ा वक्त होगा, तो अब जो है स्थिति थोड़ी और ज़्यादा, ये कहा जाए कि माहौल जो राजनीति में है थोड़ा और ज़्यादा गर्मा गया है इन चीज़ों को लेकर, थोड़ी और ज़्यादा एक दौर शुरू हो गई है, तो क्या लगता है आपको जो ये नेता हैं क्या ये अपनी तरफ से अभी से शुरू हो जाएंगे अपनी टिकट की दौड़ में रेस लगाने के लिए, और जो लोगों के नाम अभी आगे चल रहे हैं क्या इसके अलावा कुछ और लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम ऐसे कहे जा सकते हैं कि इनकी झोली में भी टिकट जा सकती है, या कोई नए उम्मीदवार भी यहाँ से खड़े हो सकते हैं? देखिए आरती, रोचक काफी बन चुकी है इस समय स्थिति। दो चीजें हैं, एक तो लोकसभा का जो चुनाव है वो हो रहा है और दूसरी तरफ एक सीट पर जो है वो अब उपचुनाव होगा विधानसभा के लिए। तो अब देखना होगा, क्योंकि देखिए काफी हमीरपुर में मुकाबला पहले ही बहुत कड़ा है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बीच, इस पर कड़ा मुकाबला जो है वहां से माना जा रहा है, और अब वहां पर उसके साथ साथ जो है अब जो विधानसभा की सीट खाली है जिस पर अब उपचुनाव होना है उसके लिए भी अब दोनों ही अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए मैदान में उतर जाएंगे ये कुछ ही दिन में। अब देखना होगा कि कांग्रेस जो है वो किसके नाम पर मुहर लगाती है इस दौरान, क्योंकि अभी कांग्रेस की तरफ से स्थिति साफ नहीं है इस सीट को लेकर के आरती, और बीजेपी की जिस तरह से दो नाम सामने आ रहे हैं, देखना होगा कि कौन जो है वो प्रबल दावेदारी वहां से पेश करता है। क्योंकि जी मोहित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद मोहित। जैसा कि आपने बताया कि इस सीट के ऊपर सीधी सीधी टक्कर कांग्रेस और भाजपा में ही नजर आ रही है। सोलन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर जमकर हमला किया। एचपीसीए मामले में चार्जशीट को अनुराग ठाकुर का नाम आने के बाद प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए अनुराग ने कांग्रेस सरकार पर द्वेष की भावना से काम करने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ राज्य के विजिलेंस विभाग के आरोप पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और एचपीसीए अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के खिलाफ चार्जशीट तैयार होने के बाद सोलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर जमकर हमला किया है और प्रदेश सरकार पर पद द्वेष की भावना से काम करने का आरोप लगाया। अनुराग का कहना है कि भाजपा द्वारा धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया गया जो कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। हमने प्रदेश को मान सम्मान दिलाया और कांग्रेस ने अपमानित करने का प्रयास किया। कांग्रेस खेलों के विरोध में है, कुचलती है। प्रदेश सरकार द्वेष की भावना से, बदले की भावना से, बदला बदली की राजनीति कर रही है। लोकसभा चुनाव में युवा वोट हासिल करने को लेकर आश्वस्त भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने मोदी की जीत तय बताया है। बकौल अनुराग, आज भारत को ऐसा नेता चाहिए जो देश को विकास की राह पर वापस ला सके और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना सके। उन्होंने कहा कि हमने कमजोर सरकार और कमजोर नेतृत्व देखा है और देश बदलाव चाहता है और इसके लिए नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। आज देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए, देश को एक ऐसा नेता चाहिए जो देश के विकास की राह पर वापस ला सके, चरमराती अर्थव्यवस्था को खड़ा कर सके, सैनिकों का मान सम्मान बढ़ा सके, हर घर को सस्ता राशन दे सके,
महंगाई पर अंकुश लगा सके। जो 65% लोग आज मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं वो अपने स्थानीय सांसदों को, भाजपा के सांसदों को जिताकर भिजवाएंगे ताकि मोदी जी की सरकार दिल्ली में बने। बकौल अनुराग, कांग्रेस कार्यकाल में भारत की जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, जमाखोरी से त्रस्त रही। वहीं हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता में आते ही जन वितरण प्रणाली के तहत राशन में भारी कटौती पर बोलते हुए अनुराग ने कहा कि हिमाचल को भी गुजरात की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सोलन से मनु शर्मा के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की ब्लॉक स्तर की बैठकों का आगाज हो गया है। इसी के तहत शिमला संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कसुमपटी ब्लॉक की अहम बैठक कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह ने की, तो वहीं इस दौरान राज्य की बागवानी मंत्री विद्या स्टॉक्स और कसुमपटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनिरुद्ध सिंह ने भी मौजूदगी दर्ज करवाई और कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार के टिप्स दिए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनावों को देखते हुए अब ब्लॉक स्तर की बैठकों का आयोजन करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में कसुमपटी ब्लॉक की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुखू सहित बागवानी मंत्री विद्या स्टॉक्स और कसुमपटी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक अनिरुद्ध सिंह मौजूद रहे। इस दौरान मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में जमकर प्रचार करने का आह्वान किया गया। वहीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुखविंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारे गए प्रत्याशी मोहनलाल ब्राक्टा के प्रचार के लिए वो खुद भी प्रचार कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। सुखविंदर सिंह का कहना है कि इस दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और आनंद शर्मा सहित 6 नेता चारों संसदीय क्षेत्रों में बतौर स्टार प्रचारक कई चुनाव रैलियों में शिरकत करेंगे। लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे प्रत्याशी मोहनलाल ब्राक्टा जी है, उनके लिए मैडम स्टॉक्स और हम सब लोगों ने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की है। और जो संसदीय क्षेत्र है इसमें अभी हम पूरे जगह दौरा करेंगे, चाहे हिमाचल के चारों संसदीय क्षेत्र में जो कांग्रेस पार्टी के हमारे नुमाइंदे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पक्ष में प्रचार के लिए बैठकों का दौर शुरू हुआ है। राज्य से 6 स्टार प्रचारक मुख्य रूप से अनुमोदित किए गए हैं, जिसमें माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी मुख्य स्टार प्रचारक होंगे, श्री आनंद शर्मा जी होंगे, मैडम विद्या स्टॉक्स जी होंगे, श्री कौल सिंह ठाकुर जी है, श्री जीएस पाली जी है। ये सभी लोग हमारे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चारों सदस्य क्षेत्र के विभिन्न जिलों में ये दौरा करेंगे। वहीं बैठक में कसुमपटी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक अनिरुद्ध सिंह ने भी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश की। अनिरुद्ध सिंह ने दावा किया कि शिमला सीट पर कांग्रेस पार्टी विजय हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रचार के लिए उतारा जाएगा। मैं नहीं समझता कि हमारे को कोई दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत है, हमारे लोग बिल्कुल संगठित हैं। आज आपने देखा कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग थी, भारी संख्या में लोग आए थे और सब ने प्रण लिया है कि अच्छी लीड जो है कसुमपटी विधानसभा क्षेत्र से मोहनलाल ब्राक्टा जी जो प्रत्याशी हैं हमारे शिमला लोकसभा क्षेत्र के, उनको जिता के दिल्ली भेजेंगे। कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारी जो हैं उनको हमने टिप्स दिए कि ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर कोई नहीं होता है और उस यू हैव टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जोन्स में बांटा गया है कसुमपटी को, जोन्स के इंचार्ज होंगे, उसके नीचे पंचायत जो पंचायत है उसके अध्यक्ष होंगे और उसका जो बूथ हैं बूथ तक हम जाने की कोशिश करेंगे। और हमने अपना 15 दिन का लक्ष्य रखा है, बूथ तक कमेटीज़ बना के इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक यूथ कांग्रेस का एक नारा था बहुत पुराना, वो हमने आज दोबारा जो है लगाया है, वन बूथ टेन यूथ का नारा जो था वो यूथ कांग्रेस का था, आज भी है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन की बात हम कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस प्रदेश की सभी 4 लोकसभा सीटों पर परचम फहराना चाह रही है। शिमला लोकसभा सीट से कांग्रेस ने इस बार रोहडू से विधायक मोहनलाल ब्राक्टा पर दांव खेला है। ब्राक्टा का मुकाबला भाजपा के वर्तमान सांसद वीरेंद्र कश्यप से है। शिमला से कैमरा पर्सन राजेश कुमार और मोहित प्रेम शर्मा के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। मंडी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर ने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के जीतने का दावा किया है। यही नहीं, उनका कहना है कि प्रतिभा सिंह इन लोकसभा चुनाव में 2,00,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगी। ठाकुर के मुताबिक जनता केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और विकास कार्यों से खुश है और कांग्रेस का साथ देगी। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा,
7 मई को पूरे भारतवर्ष में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। मैं मंडी संसदीय चुनाव क्षेत्र की बात करना चाहूँगा, मंडी जिला की बात करना चाहूँगा। मंडी संसदीय चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रानी प्रतिभा सिंह जी, जो आजकल भी सांसद है, पीछे भी सांसद रहे हैं और जिनको राजनीति का पूरा तजर्बा है, और हमारा जो इस बार हम जो लोगों के बीच में जाएंगे, जो विकास के कार्य राजा वीरभद्र सिंह जी ने एक वर्ष के अंदर किए, उनका लेखा जोखा लोगों को बताएंगे। यहाँ पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की आंधी और वीरभद्र सिंह जी ने जो विकास किया है, वीरभद्र सिंह जी का जादू जो है यहाँ पर चलेगा। मंडी सीधा की जीत तो हमने जीती हुई है, मगर हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीटों को जिता करके जो है लोकसभा में भेजेंगे। सोलन में एक मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है और इस मामले में आरोपी और कोई नहीं बल्कि मासूम का भाई बताया जा रहा है। घटना की जानकारी देते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन की सोलन इकाई की प्रभारी ने बताया कि उन्हें बच्ची ने फोन कर अपने साथ हो रही शोषण की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और बच्ची के परिजनों को पुलिस थाने बुलाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में परिजनों ने भी बच्ची के साथ होने वाली घटना की पुष्टि की। फिलहाल बच्ची को बाल कल्याण समिति के संरक्षण में रखा गया है और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। वन जीरो नाइन एट पे कल एक बच्ची का कॉल आया अराउंड 8:30 के आसपास, तो उसमें बच्ची ने बताया कि मुझे शेल्टर की ज़रूरत है और मैं यहाँ डीसी ऑफिस में हूँ। तो हमने तुरंत कार्यवाही करते हुए बच्ची को डीसी ऑफिस पहुँचे और बच्ची को फिर बच्ची डीसी ऑफिस से भी निकल चुकी थी, बच्ची सपरून पहुँच चुकी थी, हमने सपरून पहुँचे और बच्ची को वहाँ से कलेक्ट किया और चाइल्ड लाइन के ऑफिस में लेकर आए। बच्ची से पूछा तो बच्ची ने बताया मुझे आश्रय की ज़रूरत है क्योंकि मैं अपने घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसके साथ उसके भाई द्वारा उसके साथ दुराचार किया जाता है। उसके बाद हमने तुरंत कार्यवाही करते हुए बच्ची को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया। एक 14 वर्षीय पीड़िता को लेकर सदर पुलिस स्टेशन सोलन गई, जहाँ पे उन्होंने उसका एक लिखित स्टेटमेंट दिया, जिसके तहत हमने सेक्शन 376 आईपीसी और सेक्शन 4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है कि जो शोषण करने वाला है वो पीड़िता का बड़ा भाई है। और अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द वीक की, और इस हफ्ते हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या एक उम्मीदवार को एक साथ दो सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। आप अपना जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.dayandnightnews.com पर जाइए और होम पेज पर जाकर अपना वोट दे दीजिए। अगर आप लकी रहे तो आप टिम्बल ट्रेल हाइट्स पर वाणू में एक रात का स्टे मुफ्त जीत सकेंगे, तो इसके लिए जल्द से जल्द वोट कीजिए। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, देखते रहिए डे एंड नाइट न्यूज। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।